close till I get up. Time is barely on our side. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्शीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल किचन क्वीन खुर्शीदा में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रवा आलू पैटीज, जो कि सूजी और दही से बनती है। बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, चलिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सूजी 1 कप, दही 1/2 कप। यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे और उसमें सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हमें फिलिंग तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4-5 आलू को बॉयल करके उन्हें मैश कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और सौंफ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला पाउडर। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून जितना तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और सौंफ, अदरक, अब हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। इन्हें हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे आलू। आलू को मैंने हल्का सा भून लिया है, अब यहाँ पे सारे मसाले मिक्स कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक, आलू में हमारे सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब आखिर में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फिलिंग हमारी तैयार है। तो आधा घंटा हो चुका है, अब अपने बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर हमारा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि सूजी फूल गई है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो हम इसमें लगभग 1 कप जितना पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार है, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए यहाँ पे इसमें बबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। एक रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, अब हम एक नन स्टिक तवे को गर्म करेंगे। अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसे एक साफ कपड़े से क्लीन कर लेंगे। अब हम एक कटोरी की सहायता से इसके ऊपर बैटर डालकर अच्छे से फैला लेंगे।
बैटर डालने टाइम फ्लेम हमें लो रखना है और फिर उसके बाद फ्लेम को हम हाई कर देंगे। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसके किनारे तवे को छोड़ ना दें। तो बैटर हमारा पक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। दूसरी ओर से भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे, इसके किनारों को अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारी सूजी और दही की चपाती तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे आलूओं की फिलिंग और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम सारे इसी तरह से बना लेंगे। मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हम पैटीज को डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है, अब उसमें हम पैटीज को डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम चारों तरफ से पलट पलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो पैटीज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारे क्रिस्पी रवा आलू पैटीज। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।